हल्द्वानी के बनभूलपुरा में दंगे के बाद कर्फ्यू को 6 दिन हो गए हैं। अब तक इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं प्रशासन ने कर्फ्यू क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं सुचारू कर दी हैं। उधर पुलिस लगातार इस घटना में पत्थरबाजी और आगजनी करने वाले उपद्रवी को चिन्हित कर गिरफ्तारी कर रही है। SP प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि पीस कमेटी की बैठक ली गई है, तो दूसरी तरफ हालात सामान्य होने तक आवश्यक सेवाएं सुचारू कर रहे हैं। वहीं पुलिस दंगाइयों को पकड़ने का काम जारी है और अब्दुल मलिक, जो कि इस घटना का मास्टरमाइंड है, उसे भी पुलिस जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, बनफुलपुर क्षेत्र में अभी भी कर्फ्यू है, लेकिन कर्फ्यू में वहाँ के जो लोग हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो सामान सप्लाई हम करवा रहे हैं, कल उस क्षेत्रीय कुछ लोगों के साथ और शहर के जो बाकी लोग उनके साथ एक पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो हम रिव्यू कर रहे हैं कि वहाँ पर किस तरीके की ढिलाई दी जा सकती है। तो आने वाले दिनों में वहाँ हम सोच रहे हैं कि कुछ रियायत दी जाए, और इसके साथ ही जो ऐसे लोग हैं जो इस केस में इन्वेस्टिगेशन में सस्पेक्ट हैं या राडार पा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है अपनी टीमें भेजी हुई है और उनकी दबिश दी जा रही है।